वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ टिकटॉकर्स की तरफ से, यानी कि टीम 07 और दूसरे क्रिएटर्स। तो अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। और आज तो काफी सारी अपडेट है इस न्यूज वीडियो में, तो पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल मिस मत करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जो सबसे पहली स्टोरी आ रही है वो आ रही है फैसू 07 की तरफ से, और मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे देता हूँ कि यहाँ पर फैसू अब मामा बन चुके। जी हाँ, डिस्प्ले पर आप लोग फोटो देख सकते हैं, अक्षय शेख को टैग भी किया गया है जो कि फैसू की सिस्टर है, एंड नीचे लिखा है कांग्रेचुलेशन फैसू मामा बन गए। सो कांग्रेचुलेशन अक्षय शेख और फैसू 07 को। गाइस अगली शुरू आती है अवैध दरबार की तरफ से। तो आज है अवैध दरबार का बर्थडे और उन्होंने अपने आप को एक कार गिफ्ट की है। जी हाँ, सेल्फ गिफ्टेड, डिस्प्ले पर आप लोग फोटो देख सकते हैं। साथ ही साथ आइए मैं आप लोग को उनकी पार्टी का एक छोटा सा वीडियो बता देता हूँ। गाइज अगली और भयानक न्यूज आ रही है, नहीं भयानक नहीं, तो जैसे कि आप सबको पता है अभी एक वायरस बहुत फैल रहा है, मैं नाम नहीं ले सकता, वीडियो में सुना हूं मना किया गया है, जो भी हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पे सॉन्ग्स बन रहे हैं। जी हाँ, डिस्प्ले पर आप फोटो देखो, ये नया सॉन्ग आया है और इसमें आप लोगों को चांद 07 और सादिम जो छोटा है ना अपना, वो भी देखने को मिलेगा। वाह गाइस, अगली शुरू आती है तुषार एंड पूरा भी को लेके, और बीच में निशा। अबे साले मजाक कर रहा हूं। तो यहां पर हुआ कुछ ऐसा कि तुषार और निशा चले गए हैं इंदौर, डिस्प्ले पर फोटो देख लो। अब पूरा भी इंदौर में रहती है। एनीवेज जो भी हो, मैं खाली बता रहा हूँ कि मतलब वो लोग इंदौर गए हैं, लेकिन मुझे एक वीडियो दिखाना था, मैं भूल गया था, और वो होली के समय पूरा भी ने बनाई थी, ऐसा लगा कि तुषार निशा को टारगेट किया गया है, देख लो। उसको भी हैप्पी होली जो टाइम के साथ किसी और की होली। सो तीनों के लिए क्लैप। एंड गाइस जो अगली स्टोरी आ रही है वो आ रही है दानिश ज़हन की तरफ से। जी हाँ, आज है दानिश ज़हन का बर्थडे और उसे काफी अच्छी तरीके से मनाया गया है, काफी सारे क्रिएटर्स ने एक से एक वीडियोस अपलोड किए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अरिशफा खान की तरफ। तो आज अरिशफा खान ने एक सैड वीडियो अपलोड किया अपने टिकटॉक पे। जी हाँ, डिस्प्ले पर आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि पीछे सॉन्ग बज रहा है, लेकिन वो सैड वीडियो को देखकर काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अरिशफा को दानिश की याद आ गई। साथ ही साथ गाइज यहाँ पर फैसू 07 ने भी दानिश पर एक वीडियो अपलोड किया, नीचे लिखा है हैप्पी बर्थडे दानिश ज़हन। तो आइए वो वीडियो देखते हैं। यहाँ पर अलीशा ने भी एक वीडियो अपलोड की है टिकटॉक पे। कल तक जो मशहूर था आज और भी हो गया है, कल तक जो मशहूर था आज और भी हो गया है, सबके दिलों में बस कर वो बस दुनिया से दूर हो गया है, बस दुनिया से दूर हो गया है। आप आज भी हम सबके दिलों में जिंदा हैं दानिश, विश यू हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर टोनी कक्कर ने भी दानिश ज़हन पर एक सॉन्ग वीडियो अपलोड किया है, डिस्प्ले पर आप लोग फोटो देख सकते हैं। एंड यहाँ पर गुफरान अभी 07 और हैशटैग मुंबई न्यूज ने मिलकर काफी अच्छा काम किया है, मैं आप लोगों की लाइव वीडियो में से एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लो। एंड अभी मैं आप लोगों को कुछ स्टोरीज दिखा रहा हूँ जो कि फेमस टिकटॉकर्स लोग की है, और वो लोग ने दानिश ज़हन को विश किए हैं। गाइस अगली स्टोरी आती है ममता मैम की तरफ से, और आज वो लाइव आए थे तो मैंने हेलो कमेंट किया और उन्होंने कुछ ये कहा। इजाज़ व्लॉग, हेलो इजाज़, आई एम सो सॉरी इजाज़, आपको टाइम नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ माई ट्रैवलिंग, आई वुड लव टू कम ऑन योर चैनल, यू हैव बीन रिक्वेस्टिंग, बट बेस्ट ऑफ लक, यू डू रियली गुड, आई रियली लव द वे यू रीड योर न्यूज आउट, बहुत अच्छा लगता है। गाइस वीडियो एंड तक देखते रहना क्योंकि अभी मैं ये जो न्यूज बताऊंगा उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है जो कि आएगी सद्दू 07 और सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से, काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ आशीष चंचलानी की तरफ जो कि एक फेमस यूट्यूबर है, और वो चाह रहे थे कि वो किसानों की हेल्प करे, जो फार्मर्स है आप सबको पता है आज उनकी क्या हालत है, तो वो एक डोनेशन जमा कर रहे थे और उनकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन उस चीज को वो डिले कर दिए क्योंकि जो वायरस चल रहा है उसकी वजह से।
आइए उनकी कुछ स्टोरीज देखते हैं, उन्होंने कुछ बात कही है। गाइस आपको याद है कि नहीं, हम लोग ने प्लान किया था एक फार्मर्स का इनिशिएटिव जिसपे हम यूट्यूब पे आके लाइव स्ट्रीम के थ्रू फार्मर्स को डोनेट करने वाले थे। वेल, हम लोग प्रेपरेशन कर रहे थे इसे इमीडिएटली फाइनल एग्जाम्स वाले वीडियो के बाद करने का, लेकिन आपको तो पता ही अभी क्या हुआ। जो देश की हालत है की वजह से काफी लोग अपने घर पे खाना स्टॉक कर रहे, काफी लोगों की सैलरी नहीं आई है, एंड इस वक्त ये डोनेशंस आप सबसे मांगना इस हालत में आई थिंक इट्स रॉन्ग। सो हम इसे होल्ड पे रख रहे हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एक बार ये चीजें ठीक हो जाए, हम सबकी फाइनेंशियल जो कंडीशन अभी जो हालत खराब है वो नॉर्मल हो जाए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ हम यूट्यूब पे आएंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे और फार्मर्स के लिए अच्छा सा डोनेशन रेज करेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस। एंड गाइस अब हम लोग चलते हैं सद्दू 07 और आलिया की तरफ। याद करो मैंने आप लोग को बहुत पहले वीडियो में बता दिया था कि सद्दू और आलिया का न्यू सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम हो सकता है सुरमा। जी हाँ, तो यहाँ पर ये लोग चले गए हैं पानीपत। दिनेश ने यहाँ पर फोटो अपलोड किए हैं, नीचे लिखा है वंडरफुल टाइम शूटिंग विद दिस ब्यूटीफुल एक्टर्स, यानी कि सद्दू और आलिया। एंड अब मैं आप लोग को वो दोनों की कुछ स्टोरीज दिखा रहा हूँ, आइए देखते हैं। साथ साथ बीच में एक स्टोरी ऐसी आएगी जिसमें उन्होंने अवेश दरबार को बर्थडे विश किया है। हम लोग खा रहे हैं एंड गाइस जो अगली और इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है वो आ रही है सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से। यहाँ पर एक ना एक तरीके से अफवाह फैल रही थी कि सिद्धार्थ शुक्ला को जो अभी वायरस चल रहा है वो हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो एक नॉर्मल वायरल फीवर था। आइए एक वीडियो देखते हैं। पर मैं सोच रही थी खबर कंफर्म कर लूं किसी ऑफिशियल बंदे से और तब आप तक पहुंचाऊं, और मैं भी कहीं शूट पर आई हुई हूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे शूट का पूरा सेट का सामान है प्रोडक्शन का। तो अभी मुझे खबर मिली, सिद्धार्थ शुक्ला की बहन से मेरी बात हुई और पूरी डिटेल में उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत तो क्या हुआ है। तो सिद्धार्थ शुक्ला को वायरल जैसा हुआ है, बुखार हुआ है और पिछले 3 दिनों से वो बीमार। एंड गाइस जो अगली और धमाकेदार न्यूज है वो सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से ही है, लेकिन इसमें मैं शहनाज गिल को भी ऐड कर दूंगा। जी हाँ, ये दोनों की तरफ से आने वाला है न्यू म्यूजिक वीडियो। यहाँ पर इंडिया फोरम्स ने भी कंफर्म करते हुए फोटो अपलोड की है, नीचे लिखा है आर यू गाइस एक्साइटेड टू सी सिद्धार्थ बैक इन अ म्यूजिक वीडियो। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो म्यूजिक वीडियो का नाम क्या होगा, तो उसका नाम होने वाला है भुला दूंगा। जी हाँ, डिस्प्ले पर आप लोग फोटो देख लो अगर आप लोग को ज्यादा जानकारी चाहिए तो भाई अभी मतलब धमाल होने वाला है। एंड गाइस जो अगली और आखिरी न्यूज आ रही है वो आ रही है नेहा धूपिया की तरफ से। काफी ट्रेंड में चल रही है उसकी कुछ ऐसी बातें जो लोगों को पसंद नहीं आई और काफी सारे लोग अब उसको हेट कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हिंदुस्तानी भाव रफ्तार और काफी सारे क्रिएटर्स ने जो है उस पर वीडियोस अपलोड किए हैं, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। यार आप सबसे ना दिल खोल के एक दरख्वास्त है बहुत दिल से कि प्लीज जिसपे मीम बनाने बनाओ, गाली देनी है गाली दो, मुझ पे बनाने मुझ पे बनाओ मुझको गाली दो, पर उनके घर वालों को उनके घर वालों के पेजेस पे उनके बच्चों को वहाँ पर मत जाओ यार, फिर समझाने का क्या फ़ायदा। अगर आप भी गाली दे के ही समझा रहे हो तो फिर फ़र्क क्या है। तो आप दो मीम बनाओ यार, मज़े आ रहे हैं कुछ को तो देखने में, मुझे भी मज़े आ रहे हैं, शायद उनको भी आ रहे होंगे जिन पर मीम बन रहे हैं। पर वो जब घर वालों पर चले आता है ना, उनकी छोटी सी बच्ची है, उस छोटी सी बच्ची को क्या पता यार, 1.5 साल की है तो उसको गाली दे रहे हो। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि आप नेशनल टीवी पर गाली देते हो, उन्होंने भी गाली दी है, बाकी सब ने गाली दी है, तो देखो उन्होंने गाली दी है तो आप उनको गाली दो, मुझको गाली दो, पर फैमिली मेंबर्स ने तो नहीं दी ना, तो फैमिली मेंबर्स को बाहर रखो। दैट इज अ लॉजिकल पॉइंट आई एम सेइंग। आप लगे रहो यार मस्ती से। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो वो नेहा जी के लिए, उनके लिए, वो उनका वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक लड़के को बहुत सारी उनको अच्छी अच्छी गालियां आती है, उनको बहुत गालियां दी नेहा जी ने, बहुत गालियां दी। क्यों? क्योंकि वो लड़के ने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया। क्यों थप्पड़ मारा? तो क्या करता बताइए नेहा जी, क्या करता? वो फिनेल पीता, घासलेट पीता, सुसाइड करता या फांसी लेता, क्या करता? आप बोलती है वो लड़की की मर्जी, वो कुछ भी करे, कुछ भी कैसा करेगा, कैसा कर सकता है? हम भी प्यार करता है एक ही लड़की से, बस उसने धोखा दिया खत्म।
तो देख लिए वीडियो, चलिए बात कर लेते हैं अचीवमेंट्स एंड इवेंट्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर आशीष चंचलानी को फीचर किया गया है आर्टिकल में। समीर मार्क आ रहे हैं अहमदाबाद और ओए इंदौरी को गए हैं 15 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक पे। तो बस बस आज का वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ये रही आईडी। मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय स्लैप। अबे साले।